गुड मॉर्निंग। ये चिल्लाया मत कर तुम लोग। आज सुबह सुबह एक लड़की बेहोश हो गई, हाँ गिर गई थी यहीं। कल व्रत रही होगी बेचारी, हाँ व्रत नहीं थी, तुमको कैसे पता? सब लड़की सब खबर रखती है जो कौन व्रत है कौन नहीं है। खाना पीना एकदम खा के आया करो लोग। बाबू पंखा चलाना है कि बंद करना? सब बंद कर दो, लड़की सब का जितना पंखा है बंद कर दो। अरे आधा कहेगी कि बंद कर दीजिए सर, आधा कहेगी चला दीजिए सर। क्या करना है अभी? क्या करो ना, एग्जॉस्ट चलाओ, सब बंद करो एग्जॉस्ट। पीछे करो तो पीछे सब धूरा में लौटाया हुआ सब पीछे बैठता है सब सबको। इससे पहले क्लास में आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा दिए थे, ठीक है, मतलब पढ़ा रहे थे। हाई कोर्ट जो है इसकी चर्चा आर्टिकल संख्या 214 में, आर्टिकल कितना में, 214 में हाई कोर्ट है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को हम लोग कहेंगे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहा जाता है, शॉर्टकट में इसे HC कह सकते हैं, हाई कोर्ट। हिंदी में उच्च न्यायालय। बताइए किस अधिनियम के तहत पहली बार बना था यह? 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में पहली बार ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था। लेकिन वर्तमान हाईकोर्ट 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करते हैं। अभी टोटल हाईकोर्ट की जो संख्या है वो 25 है। दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली, जिनका अपना खुद का हाईकोर्ट है। अगर कोई राज्य बहुत बड़ा है तो उसी के अंदर हाईकोर्ट के कई खंडपीठ यानी ब्रांच डाल सकते हैं, लेकिन अगर कई राज्य छोटे छोटे हैं तो 3-4 राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट। कई अगल बगल 3-4 हाईकोर्ट का क्या है, एक कॉमन हाईकोर्ट है। समझ में आएगी नहीं क्या? अगर उसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत ही डाल दिया जाता है। इस साइड में अंडमान निकोबार है, कलकत्ता हाईकोर्ट के तहत डाल दिया जाता है। यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, इसको मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत डाल दिया जाता है। तो छोटे हाईकोर्ट जो है गुजरात में, ठीक है, जो जहां पास पड़ता है उसी हाईकोर्ट के अंडर में उसको डाल दिया जाता है। हाईकोर्ट जो है वो किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है डिसीजन के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? जजों के ऊपर आज अभी आपको लगेगा कि न्यायपालिका के ऊपर काफी बोझ है, डिसीजन नहीं देते हैं। ये सारा छीछा लेदर किया हुआ है इन अधिकारियों का। सारा विवाद कहाँ से चालू होगा? थाना और अधिकारी लोगों से। और कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। किसी ने चेक साइन कर दिया 5 लाख का, अकाउंट में 50,000 रुपये है, कहाँ जाएगा? कोर्ट में। कोई चालान काट दिया, ओवर स्पीडिंग कर दिया, फाइन लग गया 500 रुपये, चालान उकर ना देंगे, अब पुलिस उससे लड़ेगी थोड़ी ना, चालान काट दी जाइए अब कोर्ट में। सोचो छीछा लेदर करके रख दिया ऐसे कोर्ट में, एकदम बहुत दिक्कत है। यहाँ बिहार में 51% मुकदमे जमीन से संबंधित है, लेकिन आज भी बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी ब्लॉक में कोई एक भी अधिकारी ऐसा नहीं बैठता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो जमीन विवाद को कोशिश करे यहीं से जल्दी निपटारा कर दे। एक जमीन की रजिस्ट्री 5 जगह हो जाती है। एक के आदमी जो होता है ना, आज इनको जमीन बेचा, कल उनको बेच दिया, बेच देता है सब कि नहीं बेचता, देखते हैं कि नहीं, इसमें बेचने वाले की गलती है कि नहीं है? लेकिन जो साइन किए रजिस्ट्रार उस उत्तल थे, खिलाइए, देखिए कैसे हो जाता है यहाँ पर। तो ये सारे एक स्ट्रक्चरल चेंजिंग की जरूरत है। यहाँ हर इंसान क्या है, जीना सीख गया इसी में, जीना। भारत का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस ढंग से बनाया गया है, कि इसमें गरीब इंसान को कुछ खास दिक्कत नहीं है,
बस उसको अपने जीने में दिक्कत है, लेकिन उसको प्रशासन से कोई खास शिकायत नहीं है क्योंकि उसको पुलिस के पास जाना ही नहीं है। बेचारा बहुत गरीब है, उसको अकाउंट से मतलब नहीं है, करंट अकाउंट में कौन चाहिए, SBI में कौन चाहिए, खाली 500 रुपया किसान सम्मान निधि में आ रहा है वह निकालने जा रहा है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। और आप जब भी मिडिल या मिडिल से ऊपर जाएंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना लगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसको बनाया ही था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, जब स्ट्रक्चर को ढाल रहे थे, तो ये चाहते थे कि यहाँ पे एक मजदूर तबका ही रह सके, उसी हिसाब से किया गया। और जो नीतियों को वो फॉलो कर रहे थे, आज उन्हीं नीतियों को हमारे नेता लोग फॉलो कर रहे हैं, खास अंतर नहीं है। वो टाई बेल्ट लगाते थे, ये कुर्ता पैजामा पहनता है, सब यही का एक तो क्या हो गया है, अंतर हो गया। तो हाईकोर्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा बोझ है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। हाईकोर्ट की चर्चा आर्टिकल संख्या कितना में है, आर्टिकल 214 में है। किसी भी जज को एक राज्य में एक से अधिक हाईकोर्ट हो सकते हैं कि नहीं, एक राज्य में हाईकोर्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक से दो तीन राज्यों में एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है। एक राज्य में दो या दो से अधिक हाईकोर्ट भी क्या कर सकते, हो सकते हैं। और दो राज्य को मिला के, दो स्टेट को मिला के, या दो स्टेट से ज्यादा को मिला के एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है। अगर आपको हाईकोर्ट का जज बनना है, यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनना है, जज बनना है हाईकोर्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको 10 साल वकील या 5 साल जज रहना पड़ेगा। ये तो कॉमन चीज है, सेम चीज समझ लेते आप लोग को सुप्रीम कोर्ट में, कि जब सुप्रीम कोर्ट में बनना था तो उसके जस्ट नीचे हाईकोर्ट वाले में 10 साल वकील और 5 साल जज होना चाहिए। लेकिन ये योग्यता तो हजारों लोगों में मिल जाएगी भैया, 10 साल वकील दुनिया भर का घूम रहा है सब अगल बगल में। तो साथ ही साथ वहां पर एक एक्स्ट्रा शर्त जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या कह रहा है सर, आई एम मेंटली डिस्टर्ब, ऊपर करो तो, आई एम मेंटली डिप्रेस्ड, क्योंकि हर बार मेरा ध्यान हैंडराइटिंग पर चला जाता है। समझ में, प्लीज हेल्प मी बाबू, इतना हम अब बुढ़ा गए, जीवन खत्म होने के अब कगार पे आदमी, 7-8 साल और बचल होगा। आज ले सोच रहा हम लोग का हैंड राइटिंग है, नहीं सोच रहा स्टेट कुछ लिख दिया, नहीं समझ आ गया, इट्टी छूटले है इधर से, एगो ही छूटा ही था कि नहीं था आप। तो देखो भैया, आप मेकअप पे ज्यादा ध्यान दोगे इसके कि कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, ये डिसाइड करो। कंसेप्ट पे ध्यान दो, अगर आपका कंसेप्ट सही भी है तो लोग मेकअप वाले चीज पर ध्यान नहीं देंगे। और खूब सुंदर राइटिंग है लिखोगे और समझे में नहीं आएगा तो कोने काम का रह गया, नहीं समझ में गया। हम जब इतनी स्कूलिंग लाइफ में थे तो हमारी राइटिंग इतनी खराब थी कि टीचर लोग मेरा कॉपी फाड़ के फेंक देते थे, हम कॉपी चेक कराना छोड़ दिए। तो कौन सी चेक कराएंगे, अब स्कूल में ना कॉपी चेक होता था तो पिटा जाते थे, सर छूट गया है कॉपी। अरे भैया पीट लीजिए, क्योंकि इस पीटेंगे ना तो ये 10 मिनट में इसका दर्द सही हो जाएगा। लेकिन सबके सामने जब कॉपियां फाड़ के फेंकता था आदमी, तो आत्मसम्मान को बहुत ठोस लगता था। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, फेंक दीजिए यहाँ पर। हमारे दादाजी भी टीचर थे, वो कहते कि जिस चीज को तुम सुधार सकते हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो सीधा कहते कि कंसेप्ट सही रहना चाहिए, बस बाकी सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता है, हैंड राइटिंग वगैरह। हम कहे क्यों, तो कहे कि देखो अगर तुम लो लेवल तक रहोगे तभी तुमको खुद से लिखना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाओ तुमको लिखने के लिए दूसरा स्टाफ रहेगा, तुमको तो बस साइन करना रहेगा, और साइन में कोई हैंड राइटिंग नहीं समझ मायने रखता। हम कह सही बोल रहे दादा, एक नंबर सही बात बोले हैं दादा, बहुत सही बात बोलते थे। अरे कोई आंसर राइटिंग पर पढ़ा जाना चाहिए, उस डिप्रेशन में चल गया। देखो जिस समस्या का हल निकल सकता है उस समस्या का टेंशन लेके कोई फायदा है, क्योंकि उसका हल निकल ही सकता है, और जिस समस्या का हल नहीं निकल सकता है उसका भी टेंशन लेके क्या फायदा है, जब निकलेगा ही नहीं समझाया, तो फिर टेंशन किसी हाल में नहीं लेना है। निकले चाहे नहीं निकले, समझा रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम। चलिए ध्यान दीजिए, इधर डिप्रेशन में चल जाता है, हाँ इस CBSE वाला हो गया। अमीर आदमी जितना टेंशन लेके डिप्रेशन में चल जाता है ना, गरीब इंसान उतना टेंशन लेके पूरी जिंदगी जीता है, इनको डिप्रेशन में चल जाता है। चल जाओ अभी किसी यहाँ गांव देहात में बेचारा कोई छोटा सा झोपड़ी उपड़ी में रह रहा होगा, उसको टेंशन है कि अगले एक हफ्ता के बाद उसके घर में राशन नहीं है, डिप्रेशन में चल जाएगा ये।
बैल कहीं का नखड़ा उखड़ा वाला बात हमारा अच्छे नहीं लगता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता क्या जी? राज्यपाल की नजर में कानून का क्या होना चाहिए? कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में रहता तो हाई कोर्ट में तो 5 साल वकील, 10 साल वकील, 5 साल जज और कानून का अच्छा जानकार राष्ट्रपति। उधर राज्यपाल की जगह क्या हो जाता है? राष्ट्रपति। एक चीज देखिए ध्यान, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा या नहीं बनेगा ये डायरेक्टर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं है, वो हाई कोर्ट से प्रमोट करके भेजे जाते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और 2500 हाई कोर्ट में कौन सा जज योग्य है और किसे सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए ये डिसाइड कोलोजियम करती थी, याद है कि नहीं? याद। 5 सीनियर जज कोलोजियम में शामिल होते हैं और यही कोलोजियम कहती है कि उन जज को यहां पे ले आया जाए, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा व्यवस्था नहीं है, हाई कोर्ट में ऐसा व्यवस्था नहीं है। देखिए हाई कोर्ट में किस जज को भेजा जाएगा? डायरेक्ट भेज देगा हाई कोर्ट में? कहां भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। कहां से भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब एक राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं भैया, 75 को उत्तर प्रदेश में है आपका, 38 को डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की संख्या, और हर डिस्ट्रिक्ट में 20 से 30 को जज बैठता है। हर डिस्ट्रिक्ट में कितना जज बैठता है? 20। ऐसा मत समझिएगा एक डिस्ट्रिक्ट में एक जज बैठेंगे, ऐसे माथा नोच जाएगा सब एक जज का। 20 से 30 जज बैठते हैं। अब उन जजों में से यानी टोटल एक राज्य में 200 से 400 के बीच में जज होते हैं, उसमें से किसे हाई कोर्ट में लाना है इसका डिसाइड कैसे होगा? तो इसके लिए 3 आदमी मिलकर, कितने आदमी? 3 आदमी मिलकर हाई कोर्ट राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। 3 आदमी मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश। पहला उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ना भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, समझ में आ गया नहीं? क्योंकि भारत में ही है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल, ये तीनों मिलकर जिस नाम की सिफारिश करते हैं सब राष्ट्रपति को कि देखिए यही जज ठीक है, उसको भागलपुर से प्रमोशन देके पटना हाईकोर्ट में लेते जाइए, तो राष्ट्रपति उनको कर देते हैं। तो इसमें सिफारिश बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, किसमें? हाईकोर्ट में। तो बताइए किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और राज्यपाल, राज्यपाल। और ये सारा सिफारिश किसको जाता है? राष्ट्रपति को। तो बताइए हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भाई इस सब पे क्या ध्यान दे रहे हैं? ये तो सलाह दे के चले गए लोग, ये क्या दे के चले गए? सलाह। बट फाइनली नियुक्ति किया कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसी को कोई दिक्कत? फाइनली नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी फाइनली नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब एक बात बताओ बाबू, टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25, और हमेशा किसी न किसी हाई कोर्ट में किसी न किसी जज की नियुक्ति होती रहती है। आज मान के चलिए पटना हाई कोर्ट में हुआ, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा, परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही खंडपीठ है लखनऊ वहां हो जाएगा, इन भोपाल हाई कोर्ट में हो गया, मुंबई हाई कोर्ट, पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है और हमेशा कहीं ना कहीं जजों की नियुक्ति होती रहती है। तब तो हो गया राष्ट्रपति का काम, हेलीकॉप्टर ले ले घूम घूम शपथ दिलाएगा, हाँ हाँ तोरा नया नियुक्ति हुआ है, शपथ लो जाओ, पगला जाएगा राष्ट्रपति यहाँ पे खुद, और खोज खोज के एगो भारत का संविधान, और क्यों को शपथ लेना है जी, आए हैं पटना, नहीं लेना है, ठीक है जा रहे हैं। तो एगो ऐसा आप जाओ, हमें तो पिछले हफ्ता नियुक्ति हुआ था, शपथ दिला दीजिए, अच्छा खड़ा हो, सावधान सावधान, ऐसे तो नहीं हो गए। हम शपथ दिलाने के लिए वो किसी न किसी को वहीं पर डिप्यूट कर दे जो उस राज्य में अवेलेबल है। तो उस राज्य में कौन अवेलेबल है? राज्यपाल। कौन अवेलेबल है? राज्यपाल। तो ये चीज मत भूलिएगा कि राज्यपाल को शपथ मजबूरी में दिलाया गया है। राज्यपाल जो है हाईकोर्ट के जजों को शपथ केवल इस मजबूरी में दिलाता है कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसका अधिकार नहीं है, वो इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तुरंत शपथ दिला देगा। नहीं तो यही रास्ता है कि राष्ट्रपति आए, नहीं तो हाईकोर्ट का जज कहाँ जाए? सब दिल्ली पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी। का हुआ तुमको? जज है महाराज, ठीक से बोलिए,
शपथ लेने आए हैं नहीं समझा है, तो दिक्कत हो जाएगा। उससे बेटर है कि किसको दे दीजिए, राज्यपाल को। तो बताइए इन्हें शपथ कौन देता, बट नियुक्ति कौन करता? नियुक्ति राष्ट्रपति, याद रहेगा ना, नियुक्ति कर देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सलाह तो बताई दिए, तीन आदमी मिलके सलाह देते हैं। और शपथ राज्य, राज्यपाल इनको शपथ दिला दिए। इनका पावर था शपथ दिलाने का? त्यागपत्र, त्यागपत्र, त्यागपत्र देने के लिए इनको जाना पड़ेगा दिल्ली। जज को का त्यागपत्र ले कि नहीं ले, ये आपका छोट मोट नौकरी नहीं है, जब मन तब रिजाइन ले जाए ना कर तो हम। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, किसी राज्य की पूरी न्यायपालिका आपके कंधे पर खड़ी है और आपका जब मन तब राज्य फेंक के चल जाएंगे, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। तो जब एक्सेप्ट कर, किसी किसी का ना इस्तीफा 12 साल बाद एक्सेप्ट होता आज त्यागपत्र देगा तो कितना साल बाद, 12 साल बाद होता है। ये होता है डिसीजन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैसे तुरंत कर लेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए त्यागपत्र जो होता है कौन देता, त्यागपत्र किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र किसको देता? राष्ट्रपति को जाकर ये त्यागपत्र दे देते हैं। कौन जाके त्यागपत्र देते हैं? जज लोग, हाईकोर्ट के जज लोग त्यागपत्र दे देते हैं। अच्छा ये बताइए, नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, त्यागपत्र हो गया, अगर ये कोई काम गड़बड़ करेंगे तो इन पर क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग। लेकिन उसके लिए महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग करना होगा, न कि महाभियोग। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, लगेगा महाभियोग लेकिन कहेंगे ये उसी के जैसे प्रक्रिया है। समझ में आ गया? तो बताएंगे इस पर महाभियोग लगाना है, महाभियोग। महाभियोग तो बताइए विधानसभा में महाभियोग लगेगा या फिर संसद में लगेगा या विधानमंडल में? कितने लोग कहता है संसद में लगेगा? संसद वाले कोई नहीं है। विधानमंडल में कितने लोग कहते हैं लगेगा? सबका गलत है। नियुक्ति किया राष्ट्रपति, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सलाह दिया था, समझा गया? त्यागपत्र वही दे रहा है, शपथ दिलाने का मेन अधिकार उन्हीं का था, वो मजबूरी में राज्यपाल को बोले थे। न्यायपालिका एक हरी न्यायपालिका है पूरे भारत में, हर राज्य का अलग अलग कानून नहीं है, कुछ खास विषय दिए गए हैं जिस पर राज्य अपना अलग कानून बना सकता है, जैसे शराबबंदी का कानून हो सकता है, या कुछ मैरिज वाला हो सकता है, शिक्षा वाला हो सकता है, जैसे लव मैरिज वगैरह पे भी कानून बनाना चाहिए, इस पे तो और बनाना जरूरी है कि कम से कम 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में रहना चाहिए तो आप जाके लव मैरिज करें। अरे 10,000 रुपया लेके भागता है सब। हाँ तो खत्म। उसको सपना दिखाएगा तुम्हारे लिए चांद तोड़ सकते हैं, ताजमहल बना सकते हैं, तो 1 लाख रुपया तो पहले कमा के दिखाओ। नहीं समझ आया? लड़की जब इतना जल्दी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, लड़कों के बात पे कभी भरोसा नहीं पुरुष का प्रेम मेहंदी के समान होता है, कितना भी अच्छा चढ़ा लीजिए उतर जाएगा वो। तुम काहे घुसिया रहे, तुमको तो वैसे कौन आ पूछने वाला है। हाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियम बनाया गया। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीते। महाभियोग कहाँ लगता है? संसद में लगता है। महाभियोग कहाँ लगता है? संसद में महाभियोग लगाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस पे लगेगा? संसद में महाभियोग लगाया जाता है। ऐसा लगाया भी गया था रामास्वामी के विरुद्ध, बट वो पारित नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंगास्वामी, उनके विरुद्ध भी लगाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 45वें जज दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग भी लगाया नहीं गया था, लेकिन वो लाने पारित तो बहुत छोटा चीज है, 1/4 सदस्य तो चाहिए ना महाभियोग प्रारंभ प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, तो प्रारंभ ही नहीं हो पाया था। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत टफ होता है, महाभियोग इतना आराम से महाभियोग किसी पे नहीं लाया जा सकता।
तो ये हो गया महाभियोग। जजों की संख्या, दो तरह के जज, एक हाई कोर्ट में संख्या, हाई कोर्ट में जज, हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो होती है ये डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। कौन डिसाइड करते हैं? राष्ट्रपति। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या डिसाइड करता है संसद। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या डिसाइड करता है संसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जजों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रपति के पास तो अपना कुछ पावर है नहीं, तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या जब राष्ट्रपति के पास डिपेंड है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से पूछेंगे, और मंत्रिमंडल उसी के कंट्रोल में रहता है जो अभी सरकार में है। समझ में आ गया नहीं? पूरी तरह से। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो वो सरकार के अंडर में नहीं बल्कि संसद में, और संसद में आपके हजारों किस्म की पार्टियां घुसी हुई हैं, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। समझ में आ गई नहीं गया? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मंत्रिमंडल को अपने हाथ से घुमा लेना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, लेकिन संसद को चला लेना अपने अनुसार बहुत टफ हो जाता है। तो राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन संसद से पूछ के करेंगे या फिर मंत्रिमंडल से? किसे? मंत्रिमंडल से पूछ के करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो मंत्रिमंडल को राजी करना काफी इजी होता है, किसी को दिक्कत नहीं? मंत्रिमंडल को राजी करना इजी होता है, लेकिन संसद को नहीं, बहुत टफ होता है संसद को मनाना। जीएसटी मनमोहन सिंह पारित नहीं करा पाए, इतने बड़े अर्थशास्त्री जीएसटी का पूरा मसौदा तैयार किए, सब कुछ किए, लेकिन वो पारित ही नहीं करा पाए, क्योंकि संसद को पारित करा लेना इतना आसान नहीं है। आए मोदी जी, पारित करा दिए जीएसटी, हो गया कि नहीं? तुरंत 2017 में चल पारित होकर लागू भी हो गया। अब जीएसटी 370 हटाना नामुमकिन बराबर लगता था, उतना बहुमत ही नहीं होता किसी को। मोदी जी को बहुमत दो जगह है, एक मतलब संसद में है, और दूसरा लोगों में भी उनके प्रति थोड़ा सी एक विश्वास है कि नहीं ये ठीक आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस हटा के क्या किए हैं? ठीक ठाक काम किए। तो 370 भी हट गया। सबसे बड़ा डिसीजन था 370, मोदी जी के जितने डिसीजन थे उसमें सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप था 370, शायद कोई नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। नोटबंदी तो झुंझुना था, नोटबंदी सक्सेस ही नहीं हुआ। कभी सुने हो बोलते हुए कि हमने नोटबंदी किया था? नहीं, हमने 370 हटाया। वो तो गलतियों से नहीं याद दिलाता है कोई, नोटबंदी सक्सेस नहीं हो पाया। जजों की संख्या का निर्धारण रंग राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि से, और हाई कोर्ट के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब हाई कोर्ट के काम को हम लोग समझते हैं। यहां तक हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर था, ये कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु। न्यूनतम के लिए क्या योग्यता है गधा कहीं का? 10 साल वकीलू, कब से वकालत चालू किया है? समझ में आ गया नहीं गया? कुछ कुछ पूछते रहता है, कह रहा है सर 65 वर्ष ठीक है, न्यूनतम बताओ, न्यूनतम कैसे पता चलेगा? आप 10 साल वकालत किए होने चाहिए, तो अब पता चला 10 साल वकील भी रह गए हैं, 5 साल जज भी रह गए हैं, और राज्यपाल आपको पसंद नहीं कर रहा, सब न्यूनतम खत्म हो जाएगा वहीं पे। यहाँ पे न्यूनतम नहीं है, अधिकतम है कितना? कितने साल? 65 साल है हाईकोर्ट के जज की वहां पर। आगे आप समझते हैं जजों का कार्य। हाईकोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी भी मुकदमे को अपील के तहत हाईकोर्ट में सुनता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कहाँ ले जा सकते हैं? हाईकोर्ट में। कहाँ ले जा सकते हैं? हाईकोर्ट में। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितने भी मुकदमे हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट होते हैं उसमें सबके सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हाईकोर्ट में चले ही जाते हैं, लगभग लगभग सब लेके जाता है सर। लेकिन इससे जस्ट पहले एक केस लेना पड़ता है एडमिट सूट का। कौन सा? एडमिट सूट का। आपको एक छोटा सा केस लड़ना पड़ता है 10 दिन का कि हमारा मुकदमा हाईकोर्ट के लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय चलता है ये। आप एक ठो मुकदमा दीजिएगा तो वहां एक जज होता है, वो एडमिट सूट को देखता है, हाँ आपका मुकदमा है इस लायक, हाईकोर्ट के लायक है या नहीं। अगर वहीं से खारिज कर दिया तो गए काम से। लेकिन कभी कभी तब तो पता चला, अगर वही जज आपके फेवर में वहीं से खाली कर दिया तब भी एक रास्ता होता है, तब आप एक पिटीशन डालते हैं उसी हाईकोर्ट में कि एक वो जज से नहीं होगा, दूगो जज का बेंच लगाइए, दो दो जज का बेंच लगाइए, अब तब सुनेंगे हम।
तो ये भी एक पॉसिबल है। तो ये होता है आपका कौन सा सूट, एडमिट सूट, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 साल नहीं ना सर, 10 साल जज होना चाहिए, 40 साल कर दे तू। ये क्या कर सकते हैं भैया, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो आप हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन आपकी अपील क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट में चली जाएगी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ एडमिट केस करना पड़ेगा कि भैया हमारा क्या है, देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, हमको ऐसा सुना जाए, किसी को दिक्कत। लेकिन कोर्ट जो होता है वो कहता है कि कानून अंधा होता है। देखिएगा कानून की जो मूर्ति बनाई जाती है उस मूर्ति पे एक चीज देखिएगा, कानून के मूर्ति में आंख पर काली पट्टी होगी, हाथ पे एक तराजू होगा, यही दिखाया जाता है। आगे पिछवा तलवार ले ले रहती है वो नहीं दिखाया जाता है। उसका मतलब है कि देख भैया हम कानून है, हम अंधा है, ये जो तराजू है इस पे 2 पलड़ा है, इस पे जो वकील भारी पड़ गया वो जीत गया, और जो हल्का पड़ा उसके लिए हम पिछवा रख ले हैं कौन सी तलवार, छपाक से उड़ा देंगे हम यहाँ। कानून अंधा होता है लेकिन जज अंधा नहीं होता है, याद रखिए। जज हर चीज समझ जाता है लेकिन उसको फैसले देने से पहले वकील लोग जो है, आजकल वकील इतना पढ़ लिया है सबने, इतना वकील पढ़ लिया है सब कि कोई छोट मोट मुकदमा को 10 साल घींच देता है, उसके पास इतनी क्षमता हो गई है वकील की आप योग्यता पे सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते। उसके लिए समस्या ये है कि वो इतना ना पढ़ लिया है कि वो दूसरे के लिए समस्या है, और इतना चीज वकालत में है कि एक आम आदमी जानता ही नहीं है, कुछ 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 बता के भेज देगा ला ये 400 हुआ, अब अगली तारीख को आइएगा। समझ गए कि नहीं, तारीख समझते हैं, मुकदमा लड़ने जिस दिन जाया जाता है जो जज जिस दिन बुलाता है उसी क्या कहते हैं तारीख पे जाए। समझ गए कि नहीं, का CBSE वाला एगो दूसरे डेट पे जाता है सर घूमने शॉपिंग वोपिंग करने जाएगा सब लड़की उड़की के साथ घूमने, तो कहेगा डेट पे जा रहे हैं, कभी मिलो गांव के लड़कों से, ये डेट पे नहीं जाते गांव का लड़का डेट पे नहीं तारीख पे जाता है मार उड़ करके, उसको डेट मतलब नहीं है, तारीख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट में तारीख पे जाएगा। देखिए एक चीज यहां समझिए, जब कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई पेटीशन यानी मुकदमा है तो उसमें एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, जो हारा होगा वही जाएगा कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन इसके लिए भी टाइम है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील कर देना है कि हम असंतुष्ट हैं। अब यहाँ के जज डिसाइड करेंगे आपको कि 2 साल में आपका एडमिट सूट सुनते हैं कि 1 दिन में सुन लेते हैं। एडमिट सूट सुनने में आपको कम से कम 2 साल लगा देता है ये लोग, केवल एडमिट सूट कि यहाँ है या नहीं है, लेकिन आपको एडमिट के लिए अपील फॉर्म कब भर देना है, 30 दिन के अंदर। जैसे कोई भी एग्जाम आता है तो आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, और फॉर्म का डेट फिक्स होता है कि 1 महीना के अंदर फॉर्म भर दीजिए, भले एग्जाम कब बोले RRB NTPC की तरह कब मत, मन हो तो ले चाहे मत ले, नहीं समझ आएगा। उसी तरह से अगर एडमिट सूट कितने दिन में करना होता है, 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर ये बताइए, जो हारा है अगर वो एडमिट सूट कर दिया, यहाँ पे एडमिट सूट कर दिया और जज अगर आके सुन लिया क्या समस्या है तो अपने रोग आ देगा, ऐसे ऐसे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जज ठीक ना है, ऐसे कर दिया हमारे खिलाफ, आप हमारा इसमें मुकदमा में सुनिए, तो कह देगा ठीक है इसको कहाँ भेज देते हैं, हाई कोर्ट में। इसे कहते हैं एक्स पार्टी, क्या कहेंगे, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मुकदमे उस मुकदमे को कहते हैं जिसमें केवल एक पक्ष को सुनकर डिसीजन लिया गया, समझ आ गया कि नहीं, एक्स पार्टी डिसीजन। एक्स पार्टी डिसीजन सबसे तेजी से भाई उधर कोई विरोध करने वाला ये नहीं है, जज सब सुन लिया वहां पर, तो एक्स पार्टी अगर हो गया तो बताइए जो यहां मुकदमा जीता था मेरिट के आधार पर केस लड़कर उसको तो लॉस हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हो गया। तो इसके लिए जज साहब एक फीस लेते हैं, 3-4 हज़ार रुपया का फीस लगता है, वो यहाँ एडमिट कोर्ट में भरना पड़ता है, उसे कहते हैं कैबेट, क्या कहते हैं, कैबेट होता है। कैबेट वाला जो यहाँ जीता हुआ है वो क्या लगा देता है, कैबेट। कैबेट का मतलब होता है कि अगर हमारे मुकदमे से संबंधित कोई भी एडमिट सूट आता है तो उसे सुनने से पहले माननीय न्यायालय हमें सूचना देगी, और इस सूचना देने के लिए हम 3,000 रुपया फीस देते हैं। इसका मतलब जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला आया
उसमें कोई ना कोई तो भागेगा, चाहे पक्ष विपक्ष में हाई कोर्ट में। तो दूसरका एक्स पार्टी डिसीजन से बचने के लिए 3,000 रुपया फीस दे के कैबेट सूट ला लेगा कि नहीं लगे, कैबेट लगा देना चाहिए कि नहीं लगा देना। अगर कैबेट लगा दिए तो आपको सूचना देगा कि देखिए कौन सी मामला है, ये आदमी आया हुआ है। उसको कहेगा सुनो तुम अगली तारीख को आना अप्रैल में जाओ, जब तक हम उसको बता देंगे। अब बता देगा आप दोनों को लड़ा के लड़ाएगा, चलो 1 2 3 लड़ो लो यहाँ पे अपना अपना पूरा डिसीजन होते रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 62 से अभी 65 हो गया हाई कोर्ट के जज, 62 पहले था, अभी कितना है 65 साल है, आगे देखते हैं हम लोग। तो एडमिट सूट समझ में आ रहा है, हाई कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ता, एडमिट सूट करना पड़ता। और एडमिट में अगर वहां क्या लगा देना चाहिए, कैबेट, कैबेट लगाएंगे तो सूचना मिलेगा कि नहीं। आप क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट में कोई मुकदमा लेके चल जाएंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं जाता है, आपको क्या लेके जाना पड़ता है, अपील। डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, अपील लेके जा सकते हैं डायरेक्ट। जैसे क्रिकेट मैच में डायरेक्ट थर्ड एम्पायर से मांग सकते हैं कि तेई दे रहे डिसीजन, हाई जोन बिचवा में बैठा रहता है जो ऐसे पोलर बियर सफेद का एम्पायर, उसको उससे बोलता है कि ये बला तोरा ना दिख रहा है आउट हो गई लो, तो सब चार को मिलको को झाँ झाँ नोचने लगता है, ये दे 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 आउट दे आउट ये आउट है एकदम, यार कहता है यार नोच जाएगा सर दिमाग तो दरिया से ले लो डाल दे वहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। अब स्क्रीन पे वो खखोर खखोर देखेगा इसे स्टंपिंग हुआ है कि नहीं, जूम कर करके ओके देखेगा ना ना लड़ा है यहाँ, अब बाहरवा दिखेगा पेंडिंग तो वैसे ही समझिए कि थर्ड एम्पायर है, सुप्रीम कोर्ट फोर्थ एम्पायर और खतरनाक है। कुछ डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ मुकदमे हैं जिसे आप डायरेक्ट कहाँ ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे कंपनी विवाद, कौन सा विवाद, कंपनी विवाद, कंपनी विवाद को आप कहाँ ले जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। जैसे कोको कोला कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, और कोई उसका बोतल यूज करके अपन भर के शरबत टाइप का वो पिला रहा है, तो कंपनी का लॉस हो रहा है, आप उसका नाम कमा रहे हैं, आप सीधे कहाँ ठोकेगा, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में ठोक देगा वहाँ पर। हाईकोर्ट सीधे कहेगा एक काम करो, कंपनी का सालाना टर्नओवर कितना है, तो कहेगा 100 करोड़, उसका 10% इस पर मुकदमा ठोक दो 10% ठोक देता है, बवाल हो जाएगा। अब पता चला आप गाड़ी खरीदे हैं कोई नॉर्मल 10-12 लाख का, और उसके अगवा आप लोगो लगा दीजिए ये वाला मर्सिडीज का, अब यही 1.5 करोड़ की गाड़ी आएगी मर्सिडीज का, अगवा खरीदे मारुति 800 डग 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 डग, नैनो खरीद के आगे लगा दीजिए मर्सिडीज, कौन ठोक देगा आपके ऊपर, मर्सिडीज, इसका सालाना टर्नओवर जानिए रहे 1% लगाए तो ले जाएगा, क्या हो गया, बैठ के बोली बैठ के आगे सुनाई दे। LIC कंपनी के ऊपर केस करना हो तो किस मुद्दे के तहत केस कीजिएगा, मायने रखता है ना कि आपका प्रीमियम लेके नहीं दिया है सुनिए ध्यान से, किसी भी कंपनी का अपना संविधान, अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आपको एजेंट क्या बताता है ये मायने नहीं रखता। कभी भी LIC हो या कुछ भी हो, आप देखिएगा एक हत्ता भर का फॉर्म देता है, बॉन्ड देता है, उसमें एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा रहता है। अगर वहां जो चीज लिखा है फुलफिल किया, वहां बहुत छोटा छोटा लिख देता है कि एक स्पेशल कंडीशन में आपको एजेंट को बिना बताए या इन्फॉर्म किए ब्रेकआउट किया जा सकता है, अगर उसका उल्लंघन है तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, अगर उसका उल्लंघन नहीं है तो आप हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। LIC इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, जितना प्यार से आपको इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है उतना ही प्यार से वो सोचती हैं कि कैसे इसका इंश्योरेंस को रद्द किया जाए, समझ में आया कि नहीं आ गया, उसके इंश्योरेंसों को रद्द करने के लिए सोचते हैं। तो कंपनी विवाद कहाँ जाएगा, हाईकोर्ट में। अब कोई भी कंपनी बहुत मेहनत से अपने कंपनी बनाती है, उसका जगह दूसरा कोई लगा देगा तो उसको कहाँ ठोक देगा, हाईकोर्ट में लेकर चल जाएगा। एक से जैसे महिला सबका मेकअप के लिए एक बहुत ब्रांड कंपनी है लैक्मे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब उसके ब्रांड कंपनी है, उसमें इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, केमिकल इंजीनियरों को लगा के एकदम बेहतरीन अपना रिसर्च किया है, और जैसे ठोड़ रंगने वाला,
उसका महंगा आएगा, और जो ठेलवा पे मिलता है 10 रुपया का ठोड़ रंगने वाला, कितना का मिलता है? 10-12 रुपया का आता हो, तो मान के चलिए 20-25 रुपया का ठोड़ रंगने वाला है, और उसमें 60 दिए लेक में, अब उसको बेचिए 100 रुपया में, घाटा लग जाएगा किसको? 100 रुपये लेक में को वहाँ पे, तो वो कंपनी क्या करेगी? सीधे कहाँ पर? हाईकोर्ट। आपको क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा? सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। कहा तो जो हमारा लेके चौपट करेगा यहाँ पर। एक और विवाद जाता है एमपी का और एमएलए का। अगर कोई एमपी है और वो उसकी योग्यता में ही कमी है और वो सांसद बन गया है, तो एमपी एमएलए का निर्वाचन संबंधी विवाद, कौन सा निर्वाचन, यानी इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होने लायक था और ये हो गया है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किसी की भी नौकरी संबंधी विवाद, नौकरी वाला विवाद सीधे कहाँ चल जाएगा? हाई कोर्ट में। कभी देखते ना बीपीएससी वाला हाई कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया, 4 गो क्वेश्चन गलत है, सुने कि नहीं सुने? तो ये सारा संबंधित विवाद सीधे कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है। कंपनी विवाद हाई कोर्ट में जा। वसीयत, वसीयत समझते हैं? वसीयत, वसीयत या वरासत, वरासत बोलते ना, विरासत या वरासत, विरासत या उत्तराधिकार, उत्तराधिकार जैसे बाप से मिली संपत्ति विरासत कहते हैं ना, विरासत में मिली हुई है, ये विरासत में मिला है कि नहीं? बहुत से लोगों को विरासत में बहुत सारी चीजें मिलती है, और कुछ लोगों को विरासत में केवल दुआएं मिलती हैं, बेटा बहुत कामयाब होना, वही एक दिन इतिहास रच देता है। अरे जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है, वो क्या हिमालय जैसे बुलंदियों को चढ़ पाएगा? वो कभी नहीं चढ़ पाएगा वहां पर। इसलिए ठोकरों से नहीं घबराना चाहिए। रास्ते में कभी कभी आंधियां आती है ना, रास्ता साफ करके चली जाती है, लोग आंधी से डर जाते हैं। अरे आंधी थमने का देर करो, जिन रास्तों पे तुम्हें चलने में तकलीफ होती थी ना, सारी तकलीफ कंकड़ पत्थर को वो आंधी साफ करके चल जाएगा। तो घबराना नहीं चाहिए। आप किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं है। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर है रहे हम। समझ आएगी ना? आप बताइए, आपके यहाँ कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला होगा, आप किसी छोटे बच्चे को देंगे जिस पर विश्वास होगा? तब उसी तरह से ऊपर वाला आपको समझ रहा है, आज मार रहा है कि ये बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि मजबूत ताला मारने के बाद भी आदमी एक बार इसे घींच के देखता है, देखते हैं कि नहीं? तो ऊपर वाला भी तिजोरी मारेगा ना, तो पहले ही तलवा चेक कर लेता है कि मैं है कि नहीं, तो ले ही आप अपना कब्जा तोड़ देते हैं, तो कहता दूर एकरा कुछ मत दे। घबराना नहीं है। आगे बढ़े तो वसीयत का मामला, इसी को विरासत कहते हैं, वसीयत कहते हैं, उर्दू भाषा हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं। ये मामला सीधे कहाँ जा सकता है? हाईकोर्ट। कभी कभी देखते होंगे ना वसीयत का मामला होता है कि एक बाप है, एगो बेटवा को दिया, एगो को नहीं दिया, जो होता है। तो डिपेंड करता है, आपको हम पढ़ा दिए थे संपत्ति के अधिकार में, अगर वह संपत्ति खुद से खरीदा होगा तो वो उसका अधिकार है कि वो अपने बेटा को देना चाहता है कि बेटी को देना चाहता है या किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, बेटा बेटी कोनो, उसका अधिकार है किसी को दे। लेकिन अगर उस बाप को वह संपत्ति अपने बाप से मिली है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ पे अच्छा नियम है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। वो क्या जी? मुगिया की लाभ केस करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखिए केस डिपेंड करता है किस टाइप का है, अभी आगे समझते चलिएगा। हाईकोर्ट वाला साहब निकल, ऐसा नहीं है ना कि अब जैसे मान के चलिए है हल्ला नहीं कर, मुखिया के खिलाफ केस करना है, तो भाई उससे मामला क्या है, किस टाइप का मामला है? अगर मूल अधिकार का उल्लंघन है तो सीधे हाई कोर्ट में चल जाइएगा। ऐसा नहीं ना होता है कि मुखिया के खिलाफ केस कहाँ कर सकते हैं। केस किस चीज से रिलेटेड है इस पे भी डिपेंड करता है, और हाई कोर्ट में जाना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। आगे देखते हैं, वसीयत का मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। तलाक का मामला, विवाह का मामला,
हाई कोर्ट में जा सकता है। नहीं समझ में। देखिए दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। देखिए अभी क्या लिखे हैं, विवाद। अभी देखिए विवाह। नहीं समझे, नहीं समझा तुम। अभी विवाह था, अभी विवाद। नहीं समझा सर तुम, नहीं समझा। दोनों में ज्यादा का अंतर है। अभी क्या लिखा हुआ है, हाँ विवाद। अभी क्या हो गया, विवाह। यानी विवाह में और विवाद में थोड़ा सा अंतर। विवाह, आगे बढ़ जाते हैं। पर्यायवाची है, विवाद ऐसे नहीं होता। देखो पुरुष जो होता है ना, पुरुष वो समाज में अपना ज्यादातर समय बिताया रहता है। वो धीरे 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 समाज को समझ जाता है कि समाज दिल साफ को नहीं देखती है, जवान साफ होना चाहिए। ये पुरुष समाज की, उस समाज में बैठा है, दोस्त यार देखता है, कुछ कर दो बस, हाँ हाँ एकदम एकदम। महिलाएं समाज में ज्यादा समय नहीं बिताई रहती, वो दिल की साफ होती है, कुछ बोल देती हैं, इसलिए बेचारी घेरा जाती हैं सब। आई बहुत कचरा होता है, समझ आ गई नहीं, पुरान चावल होता है पुरुष। तो तलाक और विवाह वाला मामला कहाँ जा सकता है, हाईकोर्ट में जा सकता है। लव मैरिज वाला मामला हाईकोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है लव मैरिज वाला। लेकिन हाईकोर्ट ने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ हम लोग इसको कहां दे दिया जाए, हाईकोर्ट में भी। रीजन क्या, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। मान के चलिए कोनो में लव मैरिज हो रहा है, तो उसके घर वाले को पहले से भाप जाते हैं सब, लड़का लड़की को पता नहीं चलता है लेकिन भाप जाते हैं। ये बतियाएगा सब ऐसे खूब, हाँ बता बता, कोई देखेगा तुम। अरे बकलोल कहीं का, सामने वाला इग्नोर कर दिया तो तुम बैल समझ रहा है उसको, बतियाते रहेगा, हाँ खाना खा लिया। अच्छा सुरेश बता सर क्या पढ़ाए हैं, अच्छा खान सर का नोट्स देख लिए। अरे खचरा कहीं का, तुम किसको दर्शा बता रहे हो, गार्जियन को ठग रहे हो तुम। अरे गार्जियन को ठग देगा तुम, जिस रास्ते पे हो उस पे तुम्हारा गार्जियन कब का जा चुका है। अरे भाई 6 के बाद ना 9 आता है, आप हैं 6 और गार्जियन है 9, आप समझ रहे हैं, एकरा 6 पते नहीं है। अजमाल सब समझता है, नहीं समझा गया, चल जाएगा सब नहाने के बहाने बाथरूम में, टोटिया खोल देगा, टा 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 पानी गिरे। हाँ बोलो, अरे इतना खचरई करता है आज का लड़का लड़की, चाहे लड़का या लड़की दोनों में, वो अकेले थोड़े पगला रहा है। इसलिए कभी हम एगो को दोष नहीं देते हैं, दोष दोनों का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए ध्यान से, तो गार्जियन को पता रहता है कि इस सब में गड़बड़ है, समझ में आ गया, इग्नोर करता है, इग्नोर करता है। अब क्या गार्जियन को बेवकूफ बनाएंगे, लड़का जाएगा रेस्टोरेंट में, खूब बढ़िया टेबल वेबल लगा रहेगा, अब फोटो खींच के डीपी पे लगाएगा। गार्जियन को नहीं पता है कि तोर फोटो हुआ है, उधरिया से खींचा कौन रे। कितना दिमाग लगा, हाँ हाँ हाँ, दोस्त सब ठेला पे खाता है सब। रेस्टोरेंट में नहीं। बात करता है, हमको ठगेगा तुम। दोस्त खा रहे हैं लोग। लड़की सब की सहेली कैसे खाएगी, से एक को भेजेगी सब और 40 को समोसा लेके जाएगी, सब मिल के खाएगी हॉस्टल में अपना बैठ के। दोस्त लोग रेस्टोरेंट में खाएगा, बिल देने के लिए मार हो जाएगा। दोस्त लड़कों का दोस्त बहुत खचरा होता है, खाना खाएगा और जब लास्ट हो जाएगा ना तो एक एकदम धीमा खाने लगेगा। एकदम धीमा खाएगा, क्योंकि खत्म हो जाए तो बिल दे दे। नहीं समझे, हम भी एक बार हम एकदम धीमा खाते थे तो बिल दे दे, एगो हमरे से भी खचरा था, वो सब पेट दर्द का बहाना लेके बैठ गया। तो हम उठ के चल दिए, दवाई लेके आते तो लिए। मत तुम यहाँ पे। तो देखिए लव मैरिज में ज्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भागते हैं। अब मान के चलिए दूगो में चक्कर चल रहा है तो गार्जियन को पता चल जाता है कि बाबू अब निकल गई लो ही, अब समझ आ गया।
तो लड़की के घर वाला ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा ठीक ना लग रहा है, तू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाता है सब पहले। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबका लोकल एरिया होता है, चार पांच गो गांव का दबंग आदमी को लेकर पहुंच गया। आ ई दू गो जना एकदम सीधा साधा मेकअप करके चल गए लोग हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, गेटे पे धरा गया। कहाँ धरा गया? गेटे पे। जज साहब है अंदर। और जज साहब के पास नंबर आएगा तब ना जान रहे वो अंदर। आई धरा गया कहाँ? गेटे पे। हुए से थुराई चालू, बहुत मारेगा सब लड़का। अब ज्यादा लड़का ऑन द स्पॉट पिटाता है, लड़की घरे जाके पिटाती। लड़का को मारेगा, बाप मारेगा, भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, थूर के रद्द कर देगा। इसलिए हाईकोर्ट कहता है कि आओ हमारे यहाँ, आओ हमारे यहाँ। अब मान के चलिए आप कोनो गांव के, हाईकोर्ट राजधानी में अक्सर होता है, अमूमन राजधानी में होता है, राजधानी मेट्रो सिटी होता है, यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, यहाँ केहू के गुंडा ही नहीं चलता। तो आप कहाँ आ सकते हैं? हाईकोर्ट। कहाँ आ सकते हैं? हाईकोर्ट। तो लव मैरिज वाला मामला सीधे कहाँ जा सकते? हाईकोर्ट में जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब लाइफ में बहुत सारे लड़कों के जीवन इसमें बर्बाद हो गया। ये सब चीज़ों से बचिए, ये लाइफ के लिए बहुत डेंजरस चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। लड़का सबको समझ में नहीं आता है तो रबिया करना है। आजकल के लड़का सब में क्या है ना कि वो दुनिया देखा नहीं है, जिसको देखा है उसी को दुनिया समझ बैठा। समझ गए कि नहीं? सब चीज़ें नहीं होती। प्रेम और घृणा ये दो ऐसी चीजें होती हैं, ये उसी से होती है जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया। जिसके साथ समय ही नहीं बिताए, अब बताइए इंडिया के किसी लड़का को यूक्रेन के किसी लड़की से प्रेम होगा? देखबे नहीं किया है वहां पे, तो कहा जाएगा? तो अभी तो और ना होगा। इसलिए ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये सारी चीजें मोबाइल के एक टेम्पर ग्लास के लिए है। टेम्पर ग्लास कभी फूट जाता है तो समझिए कि मोबाइल नहीं फूटा है, टेम्पर ग्लास टूटा है। नहीं समझ आ गया है? लेकिन आप लोग टेम्पर ग्लास को फूटने पर ऐसा मातम मनाते हैं जैसे लगता है स्क्रीन फूट गया। ये सब चीजों से दूर रहिए, ये सक्सेस होने में बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। 75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। इसलिए ये सब चीजों में नहीं रहना चाहिए आप। यहाँ पे दोस्त खोज के लाए, दोस्त के भरोसे रहेगा तो आपन रिजेक्ट में थमा देगा तोरा। दोस्त खोज के लाएगा इनके लिए। बताइए लव मैरिज का मामला डायरेक्ट कहाँ जा सकता? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बोलो बाबू। भाई लोअर कोर्ट का क्वेश्चन लोअर कोर्ट में पूछियो ना, हाई कोर्ट में काय करेगा? बैठो, जो हाई कोर्ट के लायक मामला रहेगा वही ना करेगा। और आपका क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है 233 में और चल रहा है 214। अखाड़ा होके पूछेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्वेश्चन कहाँ पे है 233? नहीं समझ में आता आपको? क्वेश्चन किसका था आपका, हाई कोर्ट का कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का? और टॉपिक कौन चल रहा है? हाई कोर्ट। आप बताइए बकलोल है कि नहीं? ऐसे ही सबका पड़ोसी के साथ भाग जाती है सब। अरे पड़ोसी दोस्ते ना होता है रे। कल 9 बजे आपका इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़े होगा रे, मैथ 6 बजे से, कल 9 बजे से आपका क्या चालू हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। आज के लिए इतना ही, आगे कल समझेंगे लोग सारा सवाल कल। द कोर्ट हैज बीन एडजॉर्न्ड, ऑर्डर।